रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं हम लोग निकले थे रामेश्वरम के लिए, 8 बजे निकले थे हम लोग, लेट हो चुके थे काफ़ी। मदुरई में ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग मंदिर लौटने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग निकले और फिर कुछ खाया नहीं था। फिर अभी हम बीच में रेस्टोरेंट में रुके हैं। उस रेस्टोरेंट का नाम जूटी चाट है, जो आपको रामेश्वर जाते समय मिल जाए। थोड़ा सा लुक दे देता हूँ आपको इस क्लिप में। तो कुछ ऐसा अच्छा सा है। तो खाना आ चुका है, खाने में कुछ खास नहीं, बर्गर मंगवाया था और एक सैंडविच मंगवाया। फटाफट से खाते हैं और हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ हम लोग पंपन बीच पर हैं। मोबाइल बड़ा टाइटली पकड़ना पड़ रहा है, इतनी खतरनाक चल रही है। लेकिन हाँ, देखने लायक है। दिन में सभी देखते हैं, लेकिन रात में बात थोड़ी अलग है। लोग होटल में हैं, रामेश्वरम में हैं, तो उठ तो पाए नहीं जल्दी सुबह। लोग बोलते हैं दर्शन करना, सुबह स्नान करना, फिर मंदिर जाना। अभी 8 बज रहे हैं, अभी उठे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्नान करने जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग टेम्पल जाएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पर, शायद आपको पसंद है। तो ये मेरे होटल के बाहर का व्यू है। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन की पटरी, ये आखिरी है, मतलब ये इंडिया की रेल की आखिरी है। वहाँ देखो ट्रेन भी खड़ी हुई है, ठीक है। मौसम तो बड़ा ही दिलचस्प दिख रहा है मुझे। एक मंदिर मुझे यहाँ दिख रहा है और अब मैं घूम करूँ यहाँ पर, ठीक है। और एक मंदिर मुझे यहाँ दिख रहा है, आई थिंक ये वाला मंदिर एक्चुअल मंदिर है। तो टेंपल व्यू है यहाँ से रूम से, और मौसम काफ़ी अच्छा है। वो ट्रेन जो जाने वाली है, अभी स्टेशन भी है यहाँ पर, मतलब बढ़िया, एकदम मज़ा आ रहा है। हवा चल रही है बाहर, पेड़ हिल रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं। बाहर मैं देख रहा हूँ बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पर। मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कौन जो नहाने जाते हैं, मुझे लग रहा है कि रास्ते में नहाते नहाते हुए जाते हैं वहाँ पे समुद्र में नहाते हैं, और फिर से नहाते नहाते हुए दर्शन करके आते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। ऐसा सोच रहे हैं क्या करते हैं। अभी हाल फिलहाल ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट कमाल का ब्रेकफास्ट दिख रहा है यहाँ पर, खा के बताता हूँ कैसा लग रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अग्नि तीर्थम करके जगह है। इस बार पहले स्नान डुबकी मारेंगे 2-3, और फिर यहाँ के अपोजिट में टेम्पल है, उधर जाएंगे। व्यू तो काफी तगड़ा है, बीच टाइप का है, गंदा तो थोड़ा दिख रहा है मुझे, लेकिन ठीक है। तो अभी हम लोग के दर्शन होगा, दर्शन में 2-2.5 घंटे लग चुके हैं हम लोगों को। हम लोग लौटे अभी दर्शन करने के बाद। हम लोगों ने पहले यहाँ डुबकी लगाई थी, और फिर उसके बाद 22 कुंड के नीचे जो नहलाते हैं वो नहलाया था। फिर उसके बाद नॉर्मल लाइन में हम लोगों ने दर्शन किए, जहाँ पे हम लोगों को टोटल 2-2.5 घंटा इस प्रोसेस में लग गया। मेरे ख्याल से हम होटल से 9 बजे निकले थे, और यहाँ पे लगभग 1 बज चुका है, और हम लोग अब फ्री हुए हैं। और हम लोग बाकी जगह घूमने जाएंगे, थोड़ा सा व्यू देख लो। तो ये व्यू है अभी लेटेस्ट। पहले बारिश हो रही थी, मैंने आपको बताया था, अभी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। मौसम अभी अच्छा हो गया, थोड़ा खुल गया, घूमने लायक मौसम हो गया। तो अब हम लोग घूमने जाएंगे और आपको नए नए क्लिप्स दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।